हमने साइंस फिक्शनल मूवीज में देखा है कि कैसे पृथ्वीवासी पृथ्वी से बाहर दूसरे ग्रहों पर जाकर बस्तियां बसाते हैं, और हमारा भी कुछ यही सपना है कि हम अपने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाएं और एक इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बन जाएं। लेकिन दूसरे ग्रहों या चंद्रमाओं पर बस्तियां बसाना अब सपना या साइंस फिक्शनल नहीं रह गया है, बल्कि अब ये हकीकत होने वाला है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम से इस नए दौर की शुरुआत होगी, और जब इस नए एरा की नींव रखी जाएगी, हम सब इसके साक्षी होंगे। साल 1968 से 1972 तक अमेरिका ने इंसानों को चांद पर उतारने के लिए कुल 9 मिशन किए, जिनमें से 6 मिशन सफल रहे, और इन मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग सहित कुल 12 लोगों ने चांद की धरती को छुआ। और चांद पर आखिरी मिशन था अपोलो 17, जिसको साल 1972 में अंजाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद से किसी भी देश ने चांद पर मानव मिशन करने की कोशिश नहीं की, और आज 50 साल का समय हो चुका है चांद पर आखिरी मानव मिशन को किए हुए। लेकिन अब इतिहास अपने आप को फिर से दोहराने वाला है, और चांद पर नए दौर की टेक्नोलॉजी के साथ एक नए एरा की शुरुआत होने वाली है। चांद पर किए जाने वाले आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद है साल 2024 तक पहली वुमेन और अगले मैन को चांद की धरती पर उतारना, और चांद पर रिसर्च करने के लिए वहां पर साल 2028 तक आर्टेमिस बेस बनाना। वैज्ञानिकों ने चांद पर आर्टेमिस बेस बनाने के लिए चांद पर एक बहुत बड़े गड्ढे सेकेल्टन क्रेटर को चुना है, जो कि 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। सोचकर देखिए कि मानव निर्मित एक बहुत बड़ा लूनर बेस इस गड्ढे के अंदर काले अंधेरे में होगा। लेकिन आखिर चांद पर लूनर बेस बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी, और इसका आगे आने वाले स्पेस मिशंस के लिए क्या इस्तेमाल होगा? वेल, चांद पर गोल्ड, प्लेटिनम और अन्य रेयर अर्थ मेटल्स का खजाना है। लेकिन किसी भी बाहरी कॉस्मिक बॉडी पर जो सबसे बड़ा खजाना होता है वो है पानी। अगर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके सेपरेट किया जाए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए, तो ये बन जाता है एक रॉकेट फ्यूल, जो कि स्पेस मिशंस के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। पृथ्वी से लॉन्च किए गए किसी भी स्पेस क्राफ्ट को चांद पर जाकर फिर से रिफिल किया जा सकेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि सेकेल्टन क्रेटर की गहराई में पानी बर्फ के रूप में दफन है। अगर वहां पर पानी का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है, तो वो फ्यूल का बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकता है। नासा का मानना है कि चांद पर 600 मिलियन से लेकर 1 बिलियन मैट्रिक टन तक लूनर आइस मौजूद है, जो कि भविष्य में किए जाने वाले मानव मिशनों के लिए बहुत बड़ा खजाना है। अगर हम इस पानी को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर पाए, तो चांद मंगल ग्रह की यात्रा के लिए एक फ्यूल स्टेशन का काम कर सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं रहने वाला। चांद पर लूनर बेस बनाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट यानी SLR, जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा, जो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से बाहर तक लॉन्च करेगा। दूसरा कंपोनेंट होगा ओरायन स्पेसक्राफ्ट, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक ले जाएगा। तीसरा कंपोनेंट होगा लूनर गेटवे। ये एक तरह का छोटा स्पेस स्टेशन होगा, जो कि चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। और इस मिशन का चौथा कंपोनेंट होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर उतरेंगे, और ये सारे ही सिस्टम एक साथ ऑपरेट होंगे। चलिए अब जानते हैं कि आर्टेमिस प्रोग्राम को अंजाम कैसे दिया जाएगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले ही मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि ऐसे मिशन में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। किसी भी मानव मिशन को अंजाम देने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि चांद पर भेजने और वहां से वापस लौटने में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी ठीक से काम कर भी रही है या नहीं। इसीलिए वैज्ञानिक अनमैन्ड मिशन करते हैं। जब उनमें सफलता मिल जाती है, तब जाके इंसानों को भेजने का रिस्क लिया जाता है, और उनमें उन्हीं रॉकेट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो अनमैन्ड मिशन को अंजाम दे चुकी होती हैं। ऐसा ही वैज्ञानिकों ने चांद पर इंसानों को उतारने के लिए अपोलो प्रोग्राम में किया था। अपोलो 4, 5 और 6, इन 3 अनमैन्ड मिशन को सबसे पहले अंजाम दिया गया था। उसके बाद अपोलो 7, 8, 9 और 10 मिशन को अंजाम दिया गया, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स तो थे, लेकिन उनमें चांद पर उतरने के लिए लैंडर मौजूद नहीं था। मतलब इन मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतरने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि उन्हें केवल सभी सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। अपोलो 7, 8, 9 और 10 मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए तो थे, लेकिन वो चांद के ऑर्बिट में घूमकर फिर से वापस आ गए। जब वैज्ञानिकों ने ये सुनिश्चित कर लिया कि अब वो इंसानों को चांद पर उतारने में सक्षम है, तब जाके अपोलो 11 को लॉन्च किया गया और इंसानों को चांद की धरती पर पहली बार उतारा गया। ठीक उसी तरह से आर्टेमिस
प्रोग्राम को भी अंजाम दिया जाएगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले फेज में 3 मिशंस किए जाएंगे, जिसमें आर्टेमिस 1 एक टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसमें SLS रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगी, जिसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। इस मिशन का मकसद ये सुनिश्चित करना होगा कि एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए जिस रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाएगा वो उनके लिए सेफ है या फिर नहीं। इस मिशन के दौरान 13 छोटे छोटे सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस 1 के बाद आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। इस मिशन का मकसद होगा कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भविष्य में होने वाले मून मिशंस के लिए लंबे समय तक सस्टेन करेगा या नहीं। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स को लूनर ऑर्बिट में भेजा जाएगा और ये एस्ट्रोनॉट्स वहां पर चांद की परिक्रमा करते हुए 4 दिन बिताएंगे। उसके बाद फिर से वे घर वापस लौट आएंगे और उसके बाद आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहली बार एक वोमेन चांद की धरती को छुएगी और 50 साल के एक लंबे इंतजार के बाद फिर से चांद पर इंसान पहुंचेंगे। आर्टेमिस 3 को 2024 में लॉन्च किया जाना है। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS को साल 2011 से ही डेवलप किया जा रहा है, जब नासा ने पहली बार आर्टेमिस प्रोग्राम को अनाउंस किया था। ये अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है और ये दुनिया का सबसे सुपर हैवी लिफ्ट व्हीकल है। ये इतना पावरफुल है कि एक 32 मंजिला इमारत को भी उछालकर फेंक दे। SLS का काम होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में ले जाना। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद काम शुरू होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट का। ओरियन स्पेसक्राफ्ट को 3 पार्ट से मिलकर बनाया गया है, जिसमें से पहला है क्रू मॉड्यूल, जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स रहकर काम कर सकते हैं और डीप स्पेस ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन आर्टेमिस 3 मिशन में केवल 4 एस्ट्रोनॉट्स ही चांद पर जाएंगे। इसका दूसरा पार्ट है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। सर्विस मॉड्यूल का ही काम होगा क्रू मॉड्यूल में पर्याप्त प्रेशर और ऑक्सीजन बनाए रखना। साथ ही सर्विस मॉड्यूल में एक इंजन भी है, जिसको डीप स्पेस में ऑपरेट किया जाना है। और ओरियन का तीसरा पार्ट है एबॉर्ट सिस्टम। इसका उपयोग मेनली एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए है। अगर बाय चांस लॉन्च से लेकर पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश करने तक मिशन में कोई गड़बड़ी होती है, तो एस्ट्रोनॉट्स इस अबॉर्ट सिस्टम की मदद से अपनी जान बचा पाएंगे। पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बार ओरियन के पहुंचने के बाद लोड कम करने के लिए अबॉर्ट सिस्टम को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब ओरियन खुद ही सेफली अबॉर्ट कर सकता है। रॉकेट से अलग होने के बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर गोली की रफ्तार से भी तेज गति से बढ़ेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम को नासा अकेले अंजाम नहीं देने वाला, बल्कि इस मिशन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय और प्राइवेट कंपनी भी सहयोगी होंगी। ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन ओरियन अपने साथ चांद पर उतरने के लिए लैंडर को नहीं लेके जाएगा। इसीलिए SpaceX इस मिशन के पहले ही चांद के ऑर्बिट में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को प्लेस कर देगा, और जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, तब वहां पर पहले से मौजूद ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के साथ डॉक करेगा। उसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट्स ओरियन स्पेसक्राफ्ट में रहेंगे और 2 एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग सिस्टम में चले जाएंगे, और दोनों एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग सिस्टम की मदद से चांद की धरती पर उतरेंगे। तब तक ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगाता रहेगा। एस्ट्रोनॉट्स 1 हफ्ते तक चांद की सतह पर रहकर रिसर्च करते रहेंगे। उसके बाद वो वापस ओरियन पर पहुंच जाएंगे और ओरियन का इस्तेमाल करके वो वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम यही खत्म नहीं होगा, बल्कि ये तो एक नए एरा की शुरुआत होगी। दरअसल भविष्य में चांद पर इंसानी बेस बनाने के लिए सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, जो चांद के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पृथ्वी के ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है। लेकिन चांद के ऑर्बिट में बनाया गया स्पेस स्टेशन ISS की तुलना में बहुत छोटा होगा। चांद के ऑर्बिट में बनाए जाने वाले स्पेस स्टेशन का नाम होगा गेटवे, जो कि भविष्य में चांद पर किए जाने वाले मानव मिशनों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आने वाले मिशंस में पृथ्वी से आने वाले स्पेसक्राफ्ट्स गेटवे में डॉक करेंगे और एस्ट्रोनॉट्स यहां पर कुछ दिन रुककर अपनी रिसर्च भी करेंगे। और इस गेटवे में पहले से ही लैंडिंग सिस्टम मौजूद होगा, जिसका इस्तेमाल करके वो चांद की सतह पर उतरेंगे और इसी के द्वारा वो वापस गेटवे पर लौट आएंगे। इस गेटवे की मदद से साल 2028 तक चांद पर एक लूनर बेस बनाया जा चुका होगा और भविष्य में मंगल ग्रह पर उड़ान भरने के लिए चांद के इसी लूनर बेस का अहम योगदान रहेगा। दोस्तों, हम बहुत लकी हैं कि स्पेस के इस नए एरा की शुरुआत के हम साक्षी बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।